हमारा वीडियो है पीसीओडी के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पीसीओडी या पीसीओएस को किस तरह आप डायग्नोस कर सकते हो, पीसीओडी के प्रमुख लक्षण क्या है, पीसीओडी या पीसीओएस का इलाज क्या है, पीसीओडी से क्या कैंसर का खतरा रहता है, और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि क्या पीसीओडी वाली महिला कभी माँ बन सकती है या नहीं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिए। मैं हूँ डॉक्टर रूपल और मेड डाइजेस्ट के नए एपिसोड में फ्रेंड्स आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि पीसीओडी या पीसीओएस क्या है, पीसीओडी किसे कहते हैं। पीसीओएस या पीसीओडी जिसका फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, एक ऐसा हार्मोनल प्रॉब्लम है जो महिलाओं में अक्सर उनके चाइल्ड बेरिंग ईयर्स में यानी कि 15 साल की उम्र से लेकर 44 ईयर्स की उम्र में होता है। पीसीओडी एक महिला के ओवरीज यानी कि अंडाशय को इफेक्ट करता है। ओवरीज एक महिला के वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करते हैं। इन हार्मोन्स की वजह से महिला को रेगुलर पीरियड्स आते हैं। ये ओवरीज कुछ कम मात्रा में मेल हार्मोन्स यानी कि एंड्रोजेंस भी प्रोड्यूस करते हैं। ओवरीज अंडे को रिलीज करते हैं जो सेक्स करने के बाद एक शुक्राणु या स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज होते हैं और मैच्योर होने पर एक प्रेगनेंसी में या गर्भ में रूपांतर होते हैं। वो प्रक्रिया जिसमें ओवरीज में से अंडा निकलता है उस प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कहते हैं। FSH या फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन और LH यानी कि ल्यूटिन हार्मोन ओव्यूलेशन को कंट्रोल करते हैं। FSH हार्मोन ओवरी को स्टिम्युलेट करते हैं जिससे एक फॉलिकल बनता है। तो फ्रेंड्स फॉलिकल का मतलब वो थैली जिसमें अंडा होता है। तो जब ये अंडा बनकर तैयार हो जाता है तब LH हार्मोन इस अंडे को फॉलिकल से रिलीज करता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो और एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो। ये तो बात हुई पीसीओडी की, लेकिन ये पीसीओडी होता क्यों है, चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। पीसीओडी में मेल हार्मोन्स के बढ़े हुए लेवल्स की वजह से ओवरीज ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बनाना बंद कर देती है और एग्स नहीं बनते। विशेषज्ञों का ये मानना है कि ऐसा इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है और कभी कभी ये अनुवांशिक भी होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस तब होता है जब शरीर के सेल्स इंसुलिन हार्मोन का सही तरह से उपयोग नहीं कर पाते। तो जब ऐसा होता है तो शरीर और ज्यादा इंसुलिन हार्मोन्स की डिमांड करता है। तो ये एक्सेस इंसुलिन बनाने के लिए पैनक्रियाज को ज्यादा काम करना पड़ता है और जब ऐसा होता है तो ये बढ़े हुए इंसुलिन हार्मोन के प्रभाव में ओवरीज मेल हार्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़ा देती है। सबसे बड़ा कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस का है और वो है मोटापा। अगर मोटापा है और साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है तो उन महिलाओं में टाइप 2 डायबिटीज के होने का खतरा भी हो सकता है। तो चलिए अब फटाफट देखते हैं कि पीसीओडी के सबसे प्रमुख लक्षण क्या है। तो सबसे पहला है इररेगुलर पीरियड्स। ओव्यूलेशन के ना होने की वजह से गर्भाशय के अस्तर या गर्भाशय की लाइनिंग को हर महीने बहने में रुकावट आती है और इसलिए पीसीओडी में इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। पीसीओडी में महिलाओं को साल में 8 या 8 से कम पीरियड्स आते हैं। दूसरा लक्षण है हैवी ब्लीडिंग। गर्भाशय का अस्तर या गर्भाशय की लाइनिंग लंबे समय तक बनी रहती है, इसलिए जब ये यूटराइन लाइनिंग पीरियड्स के रूप में बहती है तब पीरियड्स में नॉर्मल से ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होता है। तीसरा लक्षण पीसीओडी का है वो है हेयर ग्रोथ। पीसीओडी में 70% से ज्यादा महिलाओं में चेहरे पर बाल और छाती पर बाल उगने लगते हैं। इस तरह के एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ को हिर्सुटिज्म भी कहा जाता है। चौथा पीसीओडी का लक्षण है वो है एक्ने। पीसीओडी में बढ़े हुए पुरुष हार्मोन्स की वजह से स्किन ज्यादा ऑयली बन जाती है और इसकी वजह से पीसीओडी वाली महिलाओं में चेहरा, छाती और पीठ पर पिंपल्स और एक्ने हो जाते हैं। पांचवा लक्षण पीसीओडी का है वो है वेट गेन। पीसीओडी में 80% महिलाओं में मोटापा मौजूद होता है। छठा लक्षण पीसीओडी का है वो है मेल पैटर्न बॉल्डनेस। पीसीओडी में मेल पैटर्न बॉल्डनेस देखा जाता है, मतलब कि ये जो एरिया है यहाँ पे गंजापन आ जाता है, यहाँ पे बाल होते हैं। सातवां लक्षण पीसीओडी का है वो है डार्कनिंग ऑफ द स्किन। पीसीओडी में स्किन काली पड़ सकती है, खास करके गले की चमड़ी बाकी के शरीर की चमड़ी के मुकाबले काली पड़ जाती है। आठवां लक्षण पीसीओडी का है वो है सरदर्द यानी कि हेडेक। पीसीओडी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से महिलाओं में सरदर्द की समस्या कॉमनली देखी जाती है। तो ये तो बात हुई पीसीओडी के लक्षणों की। तो अब हम जानते हैं कि क्या पीसीओडी का ट्रीटमेंट करना जरूरी है, क्या सिर्फ मेरे वजन कम करने से पीसीओडी ठीक हो जाएगा। अगर पीसीओडी का इलाज नहीं किया तो क्या होगा।
अगर एक महिला में पुरुष हार्मोन्स का स्तर बढ़ा हुआ होता है तो उस महिला को बांझपन के साथ साथ अन्य कई हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि गर्भधारण या प्रेगनेंसी के लिए ओव्यूलेशन का होना बहुत जरूरी है, तो पीसीओडी में महिलाएं ओव्यूलेट नहीं करती और इस वजह से अंडे फर्टिलाइज नहीं होते और प्रेगनेंसी नहीं होती। इसलिए महिलाओं में बांझपन का सबसे प्रमुख कारण पीसीओडी है। बांझपन के अलावा एक महिला में पीसीओडी की वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी हो सकता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है जिसमें मोटापे के साथ साथ हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, लो एचडीएल यानी कि लो गुड कोलेस्ट्रॉल और हाई एलडीएल यानी कि हाई बैड कोलेस्ट्रॉल, ये सभी सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम के मरीज को दिल की बीमारी, डायबिटीज और स्ट्रोक का खतरा होता है। इसके साथ साथ पीसीओडी वाली महिला में एंडोमेट्रियल कैंसर का भी खतरा होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, गर्भाशय का अस्तर या गर्भाशय की लाइनिंग जिसको हम एंडोमेट्रियम भी कहते हैं, तो पीसीओडी वाली महिलाओं में ओव्यूलेशन नहीं होता, तो इसलिए ये एंडोमेट्रियम हर महीने पीरियड्स के रूप में नहीं बहता और एंडोमेट्रियम मोटा होता जाता है। और अगर एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ती जाती है तो फ्यूचर में उस महिला को एंडोमेट्रियल कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। अक्सर पीसीओडी में हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से पीसीओडी वाली महिलाओं में डिप्रेशन और एंग्जाइटी भी देखा जाता है। तो मान लीजिए कि आपको पीसीओडी के लक्षण है और आप डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर्स पीसीओडी को किस तरह से डायग्नोस करते हैं? तो फ्रेंड्स, डॉक्टर खास करके तीन मुख्य लक्षण के आधार पर पीसीओडी का डायग्नोसिस करते हैं। सबसे पहले पुरुष हार्मोन्स यानी कि एंड्रोजेंस का हाई लेवल्स जो कि ब्लड टेस्ट के द्वारा पता चलता है। सेकंड है इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल और थर्ड है ओवरीज में सिस्ट का मौजूद होना जो कि एक अल्ट्रासाउंड करने पर पता चलता है। इन टेस्ट के साथ साथ पीसीओडी वाली महिला का ब्लड कोलेस्ट्रॉल, सेरम इंसुलिन लेवल और सेरम ट्राइग्लिसराइड लेवल भी चेक किया जाता है जिससे डायबिटीज और हार्ट डिजीज का रिस्क इवेल्युएट कर सके। पीसीओडी के डायग्नोसिस में अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अल्ट्रासाउंड के जरिए ओवरीज में सिस्ट देखे जा सकते हैं और यूट्रस में एंडोमेट्रियल थिकनेस की जांच भी की जाती है। अब आप सबके मन में एक ही प्रश्न होगा और वो है, क्या पीसीओडी वाली महिला प्रेग्नेंट हो सकती है? तो फ्रेंड्स, पीसीओडी एक महिला का नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इंटरप्ट कर देता है, इसलिए एक पीसीओडी वाली महिला का प्रेगनेंसी या प्रेग्नेंट होना थोड़ा मुश्किल है। 70-80% पीसीओडी वाली महिलाओं में इनफर्टिलिटी देखा गया है। अगर किसी पीसीओडी वाली महिला को प्रेगनेंसी रुक भी गई तो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं जैसे कि प्रीमैच्योर डिलीवरी, प्रेगनेंसी की वजह से हाई ब्लड प्रेशर, जेस्टेशनल डायबिटीज और कभी कभी मिसकैरेज का भी खतरा हो सकता है। लेकिन पीसीओडी वाली महिलाओं को निराश होने की जरूरत नहीं है। दवाई से ओव्यूलेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। साथ में अगर पीसीओडी वाली महिला अपना मोटापा कम करे और ब्लड शुगर लेवल्स को कम करे तो पीसीओडी वाली महिला भी माँ बन सकती है और एक हेल्दी प्रेगनेंसी पा सकती है। तो क्या पीसीओडी का कोई इलाज है और अगर है तो पीसीओडी का ट्रीटमेंट क्या है? तो पीसीओडी के इलाज में सबसे पहला आता है बर्थ कंट्रोल पिल्स। जी हाँ फ्रेंड्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स में प्रोजेस्टिन और ईस्ट्रोजन होता है जिसको लेने से हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं और जब हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं तब ओव्यूलेशन भी सही हो जाता है और पीसीओडी के लक्षण जैसे कि चेहरे पे बाल उगना और एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क भी कम हो जाता है। बर्थ कंट्रोल पिल्स ज्यादातर टैबलेट के फॉर्म में मिलती है। दूसरी दवाई जो पीसीओडी के इलाज में इस्तेमाल होती है वो है मेटफॉर्मिन। ये टैबलेट ग्लूकोमेट, ग्लाइकोमेट, ग्लाइसिफेज नाम से मार्केट में मिलती है और इस टैबलेट को जनरली टाइप 2 डायबिटीज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। इस टैबलेट को पीसीओडी के ट्रीटमेंट में इंसुलिन के लेवल्स को सही करने में इस्तेमाल करते हैं। तीसरा मेडिसिन जो पीसीओडी के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है वो है क्लोमिफेन। तो फ्रेंड्स, ये टैबलेट क्लोमिड के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। क्लोमिफेन को एक फर्टिलिटी ड्रग की तरह इस्तेमाल किया जाता है और पीसीओडी वाली महिलाओं को प्रेग्नेंट होने में मदद करता है। चौथा ऑप्शन जो पीसीओडी के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है वो है हेयर रिमूवल मेडिसिन। तो फ्रेंड्स, पीसीओडी वाली महिलाओं में अनचाहे बालों की समस्या कॉमनली होती है जैसे कि चेहरे पर और छाती पर बाल उगना, तो इसके लिए कभी कभी एफ्लोरनेथिन क्रीम जो कि एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, इस क्रीम का इस्तेमाल अनवांटेड बालों की ग्रोथ को कम करने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा
लेजर हेयर रिमूवल और इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए भी अनवांटेड बालों को निकाला जा सकता है। पांचवा ऑप्शन जो पीसीओडी के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है वो है सर्जरी। अगर दवाई से पीसीओडी का इलाज सक्सेसफुल नहीं होता तो सर्जरी करनी पड़ती है। ओवेरियन ड्रिलिंग एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें लैप्रोस्कोपिकली लेजर के द्वारा ओवरी में छोटे छोटे छेद किए जाते हैं जिससे नॉर्मल ओव्यूलेशन रिस्टोर हो सके। तो फ्रेंड्स, आखिर में मैं मेरे पेशेंट्स के एक्सपीरियंस और मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस के आधार पर ये कहना चाहूंगी कि पीसीओडी के इलाज के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस सबसे पहले किए जाने चाहिए, जिसमें वेट लॉस, डाइटिंग और एरोबिक एक्सरसाइजेस शामिल है। ये लाइफस्टाइल चेंजेस करने से ही पीसीओडी के पेशेंट्स में प्रेगनेंसी के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। लेकिन जब ये लाइफस्टाइल चेंजेस इफेक्ट नहीं करते तब आखिर में दवाई और सर्जरी का ऑप्शन लिया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। अगर आपको इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे ऑसम।